नमस्कार, सुमस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति का शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर आज तिल और मूंगफली का बर्फी बनाऊंगी। तो पहले मैं तिल को भून लूंगी, इसको ब्राउन होने तक अच्छा से भून लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं तिल जो है अच्छा से भून चुका है। ऐसे हाथ से मसलने से इसका छिलका निकलने लगता है। उसके बाद मैं इसको एक अलग सा बर्तन में रख दूंगी। उसके बाद जो मूंगफली है, मूंगफली को मैं 5-6 मिनट के लिए इसको भी भून लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मूंगफली जो है वो भी भून चुका है, इसका छिलका निकलने लगा है। अब मैं इसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं एक जार ले रही हूँ और जार में जो तिल को भून के रखी हूँ उसको डाल दूँगी और इसको पीस लूँगी। तो इसको ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, हल्का सा इसको पीस लेना है। और यहाँ पर मूँगफली ठंडा हो गया था, इसका छिलका निकाल के इसको भी मैं दरदरा पीस लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मूँगफली को भी मैं दरदरा पीस के ले रही हूँ। अब मैं इसका चाशनी बना लूँगी। तो चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 250 ग्राम जैसा गुड़ ले रही हूँ, उसमें 2 चम्मच जैसा पानी और 1/2 चम्मच घी। उसके बाद मैं इसको एक तार का चाशनी बना लूँगी। तो देख सकते हैं चाशनी जो है ऐसा ही होना चाहिए। तो देखिए गुड़ का जो पाग है ऐसा ही होना चाहिए। तब मैं इसमें तिल और जो मूँगफली है उसको मिला दूँगी और इसको गैस पर कम से कम 2 से 3 मिनट तक मैं इसको ऐसे गैस का फ्लेम जो है धीमी करके मैं इसको ऐसे चला चला के अच्छा से गुड़ के साथ इसको मिला लूँगी। बहुत ही टेस्टी बनता है मूंगफली और तिल का बर्फी। तो यहाँ पर मैं एक थाली के ऊपर एक प्लास्टिक बिछा कर रखी हूँ, उस पर मैं ढाल दे रही हूँ और इसको ऐसे अच्छा से ऊपर से ऐसे थोड़ा सा प्लास्टिक रख के मैं हाथ से ऐसे इसको फैला दूँगी। ये बहुत ही गर्म है। उसके बाद मैं इसको चारों तरफ से अच्छा से इसको थोड़ा सा ऐसे समान कर लूँगी, ये देखिए। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं एक चाकू से इसको काट लूँगी। ऐसे तिल और मूंगफली का बर्फी बना के इस मकर संक्रांति पर ज़रूर खाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत आसान है बनाना। आप लोग का मेरा रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद एकदम सख्त हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे काट के पहले रख दे रही हूँ और यहाँ पर देखिए कुछ समय बाद ठंडा हो गया है। तो मैं ऐसे इसको अब अलग कर रही हूँ और यहाँ पर एक तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए तो देख सकते हैं बहुत ही सख्त हुआ है, ये आसानी से टूट नहीं रहा है। तो देखिए एकदम सख्त तिल और मूंगफली का बर्फी बनके तैयार हुआ है। धन्यवाद।